दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube वीडियोस पर व्यूज किस तरह ला सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको खैली पुलाव नहीं पकाऊंगा कि आप अपना टाइटल इस तरह का डालो, डिस्क्रिप्शन इस तरह की लिखो और टैग इस तरह के डालो। मैं आपको कोई इस तरह के खैली पुलाव नहीं पकाऊंगा दोस्तों। उम्मीद है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स के बारे में आपको पता होगा। दोस्तों मैं आपको जेन्युइन वेज बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने यूट्यूब वीडियोज पर व्यूज ला सकते हैं। दोस्तों जिनमें मैं आपको दो तरीके इस तरह के बताऊंगा। एक ये होगा जिनमें मैं आपको यूनिक कंटेंट के बारे में बताऊंगा और दूसरा तरीका जो होगा वो उसके मैं बताऊंगा पब्लिसिटी स्टंट के बारे में। दोस्तों इन दोनों तरीकों को अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप ये वीडियो एंड तक देखोगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ नोटिफिकेशन के बटन पर भी क्लिक कर लें। इसका यही फायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाया करेंगी। तो चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं YouTube वीडियोस पर व्यूज किस तरह ला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिक कंटेंट के बारे में। दोस्तों यूनिक कंटेंट अगर आप डालोगे YouTube पर तो आपके जो YouTube पर वीडियोस होंगी उन पर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई इतनी लिमिट नहीं होगी। कुछ यूट्यूबर कह देते हैं कि 100 या 50 वीडियोस डालो तब आकर व्यूज आना शुरू होते हैं। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप यूनिक कंटेंट डालोगे तो आपको 5-6 वीडियोस के बाद ही आपकी वीडियोस पर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अब हम मैं आपको समझाता हूँ मिसाल लेकर के ये यूनिक कंटेंट की मदद से किस तरह आपके वीडियोस पर व्यूज आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप यूनिक कंटेंट डालोगे तो आपकी वीडियोस पर व्यूज किस तरह आते हैं वो मैं समझाता हूँ। दोस्तों अगर आपके एरिया में कोई एक दुकान है, कपड़े की दुकान है, वो एक ही दुकान है, वो उस वहाँ पर आपको जो कपड़ा मिलता है वो एक नंबर कपड़ा मिलता है। तो अगर आपके एरिया में कोई बंदा आता है वो आपसे पूछता है यार यहाँ से एक नंबर कपड़ा किस दुकान से मिलता है, तो आप फ़ौरन से उसी दुकान का नेम बता दोगे जिस जो आके आपके एरिया में एक ही दुकान है। तो दोस्तों इसी तरह ही YouTube के केस में अगर कोई बंदा आप यूनिक कंटेंट डालोगे तो जो व्यूज आपको वीडियोस पर आएंगे तो फौरन से आपकी जो वीडियोस पर को देखने वाले लोग होंगे वो आपकी वीडियोस को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे यार फलां चैनल है वहाँ पर जो व्यूज वीडियोस आती हैं वो इस टाइप की आती हैं, वहाँ जो वीडियोस होती हैं वहाँ पर जो आती हैं वो यूट्यूब पर किसी और चैनल पर आपको नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर अगर टैग की बात करें तो टैग में बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हो चुके हैं। अगर यहाँ पर व्यूज़ आएंगे आपकी वीडियोस पर तो लोग आपको कंपेयर करना शुरू कर देंगे दूसरे यूट्यूबर के साथ। कुछ जो व्यूवर्स होंगे वो अपने दोस्तों को बताएंगे यार वो फलाम वाला चैनल दूसरे चैनल से अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा है, इस तरह आपको कंपेयर करेंगे। अगर आपका यूनिक कंटेंट होगा, आपका कंपिटिटर ही कोई नहीं होगा, तो क्या होगा कि आपके जो व्यूवर्स होंगे वो अपने दोस्तों को बताएंगे यार उस तरह की वीडियोज़ पूरी यूट्यूब पर नहीं है, तब आपकी वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जल्दी आपकी वीडियो रैंक होना शुरू हो जाएगी और जल्दी सब्सक्राइबर्स वगैरह सबको आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो सो ये चक्कर है, अगर आप यूनिक कंटेंट डालोगे तब आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो सो अगर आप टैग की बात करते हैं, टैग में इतने ज़्यादा क्रिएटर्स हैं कि यूनिक कंटेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप टैग में कुछ मुनफरद करके दिखाना चाहते हो, कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाओगे जो कि अभी तक मेरे मुताबिक यूट्यूब पर पॉसिबल कोई नहीं कर रहा। टैग में सिर्फ बातें ही करते हैं आकर कैमरे के सामने या कोई डब्बे वगैरह खोल के दिखा देते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई प्रैक्टिकली काम करके दिखाओगे टैग में तब मुझे उम्मीद है कि आपको जो व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पब्लिसिटी स्टंट के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा काम है जिसकी मदद से आपको ऑटोमेटिकली व्यूज़ आएंगे ही आएंगे आपकी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पर्सनली मैं इसको रिकमेंड नहीं आपको करता, अगर आप फिर भी इसको यूज़ करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी मदद से किस तरह व्यूज़ आते हैं। दोस्तों आपको इंडियन नंबर 1 टेक यूट्यूबर का पता ही होगा, जब उस बंदे के तकरीबन थे चैनल पर सब्सक्राइबर 1 मिलियन के करीब, 1 मिलियन बल्कि क्रॉस कर चुका था, उसने किया एक पब्लिसिटी स्टंट, एक और यूट्यूबर उसके साथ मिल गया, तो जिसमें दूसरे यूट्यूबर के तकरीबन थे 5 लाख सब्सक्राइबर और जो नंबर 1 यूट्यूबर था टेक में उसके तकरीबन सब्सक्राइबर थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे। उन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक पब्लिसिटी स्टंट किया। तो उसके जिस बंदे के 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे उन दोनों ने अपना एक प्रॉब्लम क्रिएट की यूट्यूब पर। जब उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की तो हाइपर क्रिएट हुई यूट्यूब पर, तो वहाँ से क्या होगा कि जो दोनों यूट्यूबर थे उनके जो सब्सक्राइबर थे वो ज़्यादा हो गए। वो किस तरह हो गए मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। दोस्तों जो 1 मिलियन वाला था उसके तकरीबन अब सब्सक्राइबर अगर आप देखोगे तो 5.6 मिलियन अब कुछ सब्सक्राइबर हैं, और जो दूसरा था जो जिसके 5 लाख तकरीबन सब्सक्राइबर थे और उसके अगर आप अब सब्सक्राइबर देखो तो 1 मिलियन वो क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि पब्लिसिटी स्टंट करने से सब्सक्राइबर किस तरह इंक्रीज होते हैं। दोस्तों जब उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया तो वहाँ से क्या हुआ
कि दोनों में जो काफ़ी ज़्यादा दोनों के जो सब्सक्राइबर थे उन दोनों ने एक दूसरे के जो दोनों यूट्यूब चैनल पर जितने इतने सब्सक्राइबर थे उन दोनों ने, जब मैं अगर फ़र्ज करें मैं आपके रिलेटेड आपके मुखालिफ वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको बुरा भला कहता हूँ, तो जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो आपके चैनल लाजमी जाके चेक करेंगे। तो अगर आप भी इसी तरह ही करोगे, मेरे रिलेटेड कोई मेरे मुखालिफ वीडियो बनाओगे तो आपके जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो मेरी मेरे चैनल पर ज़रूर आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब इस तरह व्यूअर्स जाएंगे एक दूसरे के चैनल पर तो जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह ही उन्होंने किया कि जब उन्होंने इस तरह किया तो उन दोनों के चैनल के जो सब्सक्राइबर थे वो दोनों के चैनल पर गए तो उन दोनों के सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए। इसी तरह ही जब उन दोनों का मुकाबला देखकर तो दूसरे यूट्यूबर जो थे उन्होंने हमदर्दी वाली वीडियो बनाना शुरू कर दी। उन्होंने वीडियो बनाई कि यार इन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो गलत कर रहे हैं, ये वो, उन दोनों का नाम लेकर उन्होंने अपनी चैनल पर भी व्यूज़ ज़्यादा कर लिए। क्योंकि क्या हुआ कि जब अगर मैं आपके रिलेटेड हमदर्दी वाली वीडियो बनाऊँगा तो क्या होगा कि जब मैं मेरे जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो आप दोनों के चैनल पर जाएंगे तो आपके जो होंगे दोनों के सब्सक्राइबर्स वो मेरे चैनल पर आ जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों क्या किया उन्होंने, एक पब्लिसिटी स्टंट करने के बाद व्यूवर्स अपने इंक्रीज सब्सक्राइबर अपने इंक्रीज कर लिए। दोस्तों अगर आप भी पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हो तो आप भी इस तरह करके अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों ये तरीका जो है यूनिक कॉन्टेंट वाले से भी 100% काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ बातें खुल के नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर वो माहौल क्रिएट नहीं करना चाहता मैं भी कि मैं यहाँ पर आपको खुल के कुछ बातें बताऊँ। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे खुल के कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको बताना क्या चाह रहा हूँ पब्लिसिटी स्टंट के बारे में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर वीडियो में किस तरह की प्रॉब्लम आती है या कुछ मेरे लिए सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फाइनली दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।